नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशीला सैनी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ। जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में पिछले 10 वर्षों से निरंतर इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। आज हम बात करेंगे एक महिला को महीना क्यों आता है। सब लड़कियों की ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब वो महीना आना उसको शुरू होता है। एक महिला एक जननी है और सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन होना और रिप्रोडक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब किसी लड़की को या किसी महिला को महीना आना शुरू होता है तो इस बात का एक संकेत होता है कि वो अब एक माँ बन सकती है और प्रेगनेंसी उसमें हो सकती है। जब महिला का एक लड़की का विकास होना शुरू होता है तो बाल अवस्था से जब वो किशोरावस्था में आती है तो उसके शरीर में कई तरह के फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, जैसे कि उसके स्तनों का विकास होता है, एक्जिलरी हेयर्स और प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट होता है, और साथ ही साथ उसमें मासिक धर्म का आना भी शुरू होता है। मासिक धर्म को इस तरीके से जान सकते हैं कि एक महिला को योनि द्वार से हर महीने 3 से 5 दिन की ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है, जिसको मासिक धर्म बोलते हैं, मेंसेस बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोल सकते हैं और मासिक चक्र भी बोल सकते हैं। जब किसी लड़की को महीना आना शुरू होता है तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन, एक सवाल उठता है कि उसको क्यों महीना आ रहा है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है। लड़कों को ये नहीं आ रहा है, सिर्फ लड़कियों को ही आ रहा है। लेकिन जब वो अपनी माँ से, बहन से, अपने दोस्तों से पूछती है तो कोई उसे कोई साइंटिफिक जवाब देने वाला नहीं होता है। आज हम इस बात का साइंटिफिक टर्म्स की चर्चा करेंगे कि क्यों एक स्त्री को, एक महिला को महीना आ रहा है। साइंटिफिक तौर पर अगर देखा जाए तो एक महिला के अंदर एक यूट्रस होता है, बच्चेदानी होती है, जिसकी वजह से उसमें बच्चा लगता है। साथ में 2 अंडेदानी और होती हैं, जहाँ के करीब उसके लाइफ लॉन्ग पीरियड में 500 के करीब अंडे उसमें होते हैं, जो हर महीने एक अंडा उनमें से परिपक्व होकर ट्यूब्स के रास्ते बच्चेदानी में पहुंचता है। और जब स्त्री और पुरुष का मिलन होता है तो स्पर्म्स बच्चेदानी के रास्ते से पहुंचते हुए बच्चेदानी के अंदर पहुंचते हैं और अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से एक एम्ब्रायो बनता है, जो आगे चलकर बच्चा बनता है और प्रेगनेंसी होती है। हर महीने बच्चेदानी के अंदर महीना शुरू होने पर प्रेगनेंसी के हिसाब से तैयारी होना शुरू होती है, जिसमें बच्चेदानी के अंदर की जो लेयर है वो थोड़ी सी मोटी होती है, गद्देदार बनती है और उसमें खून की नलियों का विकास होता है, ताकि जब बच्चा लगे तो बच्चे का पालन पोषण, उसके भ्रूण को ग्रोथ के लिए ब्लड और न्यूट्रिएंट्स उसको मिल सके। लेकिन जब महिला पुरुष का मिलन नहीं होता है तो बच्चा नहीं बनता है, और नहीं बच्चा बनने के बाद खाली जब अंडाणु ही रह जाता है तो अंदर हार्मोनल चेंजेस के कारण अंदर की लेयर है वो डिस्टर्ब होती है और पूरी शेड ऑफ होके, यानी टूट के बिखरती है, और सर्विक्स और वजाइना से होते हुए बाहर योनि द्वार के रास्ते से ब्लड मिक्स टिश्यूज़ का बाहर निकलता है, जो कि हमें बाहर एक ब्लीडिंग के रूप में दिखाई देता है, और इसी को मेंसेस का आना बोलते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है, जैसे पानी पीने के बाद हम यूरिन जाते हैं, खाना खाने के बाद हम पॉटी जाते हैं, वैसे ही फिजियोलॉजिकल बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर है जो हर महिला के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर किसी महिला को महीना आना शुरू नहीं होता है, वो भी अपने आप में एक बीमारी होती है, और महीने के महीने महीना आना उसकी हेल्दी होने को दर्शाता है, उसकी जनन क्षमता को दर्शाता है, और साथ ही हम आज हमने ये जाना कि महीना क्यों आता है, क्या इसके पीछे साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, और अगली बातचीत में, अगली मुलाकात में हम ये जानेंगे कि महीने का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कैसे इसके दौरान साफ़ सफाई रखी जाए, कैसे इसको हम प्रॉपर तरीके से अपना वर्क को, शेड्यूल को डिस्टर्ब किए बिना हम हमारी लाइफ बहुत अच्छे से जिए। थैंक यू दोस्तों।